दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना की काट खोजने में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण को लेकर अध्ययन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके बारे में नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब BMG केस रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना से पीड़ित रह चुके कुछ लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने के चलते उनके दोबारा संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि SARS-CoV-2 वायरस से पहली बार पीड़ित होने वाले लोगों में जब एंटीबॉडी का स्तर घट जाता है तो उनके दोबारा संक्रमित होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। हालांकि अध्ययन में ये भी कहा गया है कि पहली बार बहुत गंभीर संक्रमण रहा तो दूसरी बार इसके लक्षण मामूली होते हैं। अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए 40 वर्षीय एक शख्स के मामले का हवाला दिया। इस व्यक्ति को 4 महीने पहले कोरोना के मामूली संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि इससे पहले भी वो अप्रैल 2020 में गंभीर संक्रमण की चपेट में आ चुका था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार वो व्यक्ति मधुमेह, थायराइड और मोटापे की समस्या से पीड़ित था। कोरोना संक्रमण के लिहाज से ये बीमारियां जोखिम की वजह बनती हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि व्यक्ति अप्रैल में कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित हुआ, फिर 3 महीने तक उसकी 4 जांचें हुई जिसमें वो संक्रमण मुक्त पाया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगस्त 2020 में वो फिर से कोरोना की चपेट में आ गया। हालांकि इस बार उसे संक्रमण के मामूली लक्षण थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले ही गंभीर संक्रमण से उबरने के बाद उसमें कोरोना का मुकाबला करने के लिए कुछ रोग प्रतिरोधी क्षमता बच गई थी। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।